उत्तर प्रदेश का सैफी प्रिंस खान गिरोह का टेक्निकल मैनेजर है। धनबाद पुलिस ने दावे के मुताबिक प्रिंस खान गिरोह के 60 से अधिक लड़कों को पुलिस अब तक जेल भेज चुकी है। इनमें से तो कई ऐसे हैं जो जेल से बाहर आते ही फिर से प्रिंस खान गिरोह के लिए काम करने लगे हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो शहर छोड़ दिए हैं। पुलिस का दावा है कि पुलिस की कार्रवाई के कारण बहुत सारे लड़कों ने गिरोह से दूरी बना ली है, फिर भी लालच देकर नए लड़कों की भर्ती गैंग चलाने वाले करने में सफल हो जा रहे हैं। पुलिस ने प्रिंस खान के फुफेरे साला अदनान सहित 4 लोगों को भी जेल भेजा है। इन लोगों ने पुलिस को कुछ ऐसा तथ्य दिया है जिन पर पुलिस काम कर रही है। पुलिस को ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि यूपी का एक युवक सैफी प्रिंस खान गिरोह में टेक्नोक्रेट की भूमिका निभा रहा है। वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या का रहने वाला है। हाल फिलहाल तक वो मटकुरिया रोड में अपने मामा के पास रहकर प्रिंस खान गिरोह को टेक्निकल तौर पर मदद करता था, लेकिन जमीन कारोबारी और फहीम खान समर्थक नन्हे हत्याकांड के बाद से प्रिंस खान और वो युवक दोनों धनबाद से बाहर चले गए। इस बात की पुष्टि जेल जाने से पहले प्रिंस खान का फुफेरा सारा अदनान उर्फ अंडा ने भी की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये टेक्नोक्रेट प्रिंस खान के अर्थतंत्र को संभालने से लेकर उसके नए नए वर्चुअल नंबर की आईटी बनाने तक का काम करता है। पुलिस अब इस पर नजर गड़ाए हुए है। प्रिंस खान पुलिस और धनबाद के कारोबारियों के लिए सरदर्द बना हुआ है। पुलिस के साथ साथ सीआईडी और एटीएस प्रिंस पर शिकंजा कसने के लिए लगातार हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इधर पुलिस ने जेल भेजे गए वाहिद को 5 दिनों के रिमांड पर लिया है। देखना है और क्या नए तथ्य पुलिस के हाथ लग गए हैं। 26 और 27 जून की रात फायरिंग के बाद पुलिस ने नए तरीके से इस गैंग को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। पुलिस लगातार इलाके के लोगों से अपील कर रही है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें। बच्चे कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किस पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है। अगर उनके बच्चों के पास कीमती मोबाइल दोपहिया है तो पता लगाएं किसने दिया और क्यों दिया। बहरहाल पुलिस प्रिंस खान गैंग के पीछे पड़ी हुई है, जबकि प्रिंस खान पैतरा बदल बदल कर रंगदारी के लिए उत्पात मचा रहा है। देखना है पुलिस और प्रिंस खान के बीच चल रहे इस लुका छिपी खेल का अंत कहां जाकर होता है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।